अमीरपेट नाम के गांव में लक्ष्मी और कुमार नाम के एक जोड़ा रहते थे। वे दोनों मिलकर एक ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करते थे। वो भी केवल एक रुपए में एक गुलाब जामुन देते थे, इसलिए ज्यादा गरीब लोग वहां पर आकर खाते थे। उनको ज्यादा फायदा न आने से भी जितना कमाते थे उसमें ही बहुत संतुष्टि से रहते थे। फिर एक दिन अचानक से कुमार को दिल का दौरा पड़कर वो मर गया। उसके वजह से लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। फिर भी वो अकेले ही गुलाब जामुन के थैले को चलाते हुए जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन उसके थैले के सामने एक कीमती कार आकर रुका। उसमें से सूट बूट पहनने वाला एक आदमी उसके पास गया। फिर वो आदमी, अम्मा मैंने आपके गुलाब जामुन के बारे में बहुत सुना है। मैं शहर में एक बड़ा व्यापारी हूँ, इस तरफ कुछ काम के लिए आया था। आपका गुलाब जामुन का स्वाद चखने के लिए आया हूँ। गुलाब जामुन दो अम्मा, कहा। तब लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया सर, आपके जैसे बड़े लोग हमारे थैले के पास आना सच में हम भाग्यशाली है। कहकर गुलाब जामुन उनको दिया। फिर उसने वो खाकर, वाओ वाओ कितना स्वादिष्ट है ये अम्मा, ये सब मैं लेकर जाता हूँ, मेरे घर वालों को भी ये स्वाद चखना है। और ये क्यों एक रुपए है, ये लो 10,000 रुपए लेकर पूरा मुझे दे दो, कहा। फिर लक्ष्मी ने खुशी से सारे गुलाब जामुन को पैक करके देकर उनसे पैसे लिया। तब वो आदमी उन गुलाब जामुन को लेकर कार में चला गया। फिर वैसे ही वो कभी कभी वहां आकर उनको पैसे देकर गुलाब जामुन लेकर जाने लगा। लक्ष्मी भी पैसे आ रहा है कहकर बहुत खुश हुई। एक दिन कुछ पुलिस कांस्टेबल लोग उसके थैले के पास आए। तब एक कांस्टेबल, लक्ष्मी जी कल हमारा एसआई साहब का जन्मदिन है, पुलिस स्टेशन में हम सब उनसे केक कट करवाने के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद सबके लिए स्नैक्स पार्टी रहेगा, उसके लिए हमें गुलाब जामुन चाहिए, कल स्टेशन में आकर दे सकती हो क्या, पूछा। तब लक्ष्मी, हाँ दूंगी सर, बोली। तब कांस्टेबल ने लक्ष्मी को पैसे दिया और वो सब वहाँ से चले गए। अगले दिन लक्ष्मी गुलाब जाम के साथ जब स्टेशन गई, तब ऐसे वहाँ केक कटिंग कर रहा था और सब पुलिस लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाना गा रहे थे। तब ऐसे ने केक कटिंग किया तो सब लोग तालियां बजा रहे थे। तब ऐसे को डीएसपी से फोन आया। फिर ऐसे ने फोन उठाकर, यस सर, सच में सर ऐसा है क्या, ओ माय गॉड, मैं देखता हूँ सर वो क्या है, इंक्वायरी करूंगा सर, सर 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 सॉरी सर, जरूर करूंगा सर, कहकर फोन रखकर उधर पुलिस वालों से, डीएसपी सर बहुत सीरियस है, हमारा एरिया में गुलाब जामुन में नशीला दवाई मिलाकर कोई सप्लाई करके बेच रहा है, कल शहर में कॉलेज के पास कुछ स्टूडेंट्स उन नशीला वाले गुलाब जामुन खाते हुए हमारे पुलिस को मिले, चलिए हमारा एरिया के सब स्वीट शॉप्स में रेड करेंगे, कहा। तब वो बात सुनकर लक्ष्मी वहाँ दीवार पर कुछ चोरों का फोटोज को देखी। उसमें एक फोटो को देखकर नजदीक गई। उसको देखकर पुलिस लोग उसके पास आए। तब ऐसे, क्या हुआ है लक्ष्मी, क्या देख रही हो, उसमें से किसी को तुम देखा है क्या पहले, पूछा। तब लक्ष्मी, हाँ सर, ये आदमी आजकल मेरे पास गुलाब जामुन खरीद कर जाता है सर, कहकर उसका फोटो दिखाकर जो भी हुआ वो सब बताई। फिर ऐसे ने वो देखकर, ओहो ये मुन्ना ने फिर से धंधा शुरू कर लिया है, इसका मतलब अभी तक इसको बुद्धि नहीं आया है, ये एक बड़ा केड़ी है लक्ष्मी, ये फिर से तुम्हारे पास कब आएगा, कहकर पूछा। उसके बाद पुलिस लोग लक्ष्मी के गुलाब जामुन के थैले के आसपास चुपके से मुन्ना का इंतजार कर रहे थे। ऐसा मुन्ना थैले के पास आकर पुलिस के हाथ में पकड़ा गया, उनके हाथों से खूब मार खाया। वैसे मुन्ना जेल में चला गया। उसको पकड़ने में मदद करने के वजह से पुलिस ने लक्ष्मी को इनाम भी दिया।